नेक्स्ट इज पीएन डायोड्स। सो नेक्स्ट इज पीएन जंक्शन डायोड्स। पीएन जंक्शन डायोड्स के अंदर हमने पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर से डायोड बनाए। अब ये डायोड भी कई तरीके के हैं उनमें से, और इन डायोड्स को जंक्शन डायोड्स बोलते हैं। इनमें से पहले टाइप का डायोड है जीनर डायोड। जीनर डायोड का खास मतलब है जो आज मे बी नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे। दूसरे टाइप का डायोड है फोटो डायोड, जीनर डायोड, फोटो डायोड। तीसरे टाइप का डायोड है लाइट एमिटिंग डायोड, एलईडी जिसको बोलते हैं, एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। तीन, नेक्स्ट टाइप का डायोड है, डायोड तो नहीं कहेंगे लेकिन ये बोलेंगे कि डायोड से बना हुआ है, जिसको बोलते हैं सोलर सेल। ये डायोड तो नहीं है, ये नॉर्मल पीएन डायोड से बने होते हैं। सोलर सेल, सेल बेसिकली बहुत सारे पीएन डायोड का कॉम्बिनेशन है, नया डायोड नहीं है, डायोड तीन ही है। तो पहला डायोड हमने क्या सुना, जीनर डायोड। दूसरा क्या सुना, फोटो डायोड। तीसरा क्या सुना, एलईडी। तीन, और चौथा सोलर सेल। पर सोलर सेल नॉर्मल डायोड से बना होता है, ठीक। तो ये डायोड्स इंपॉर्टेंट है और इन डायोड्स को हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टडी करेंगे वो सोलर सेल स्टडी करेंगे। सो एंड में सोलर सेल, ठीक है, बाकी डायोड भी करें, डायोड करेंगे पर सोलर सेल पहले करते हैं। सोलर सेल आपने देखा भी होगा, लोग सोलर पैनल्स लगवाते हैं अपने घरों में, वो सिल्वर कलर का पूरा छत ढक देते हैं और फिर इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हैं। तो सोलर सेल कैसे काम करता है इसको एक बार हम देखेंगे। सोलर सेल के अंदर है क्या, इट इज अ जंक्शन डायोड। ये सिंपल पीएन डायोड ही है विच कन्वर्ट सोलर एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिसिटी। सोलर रेडिएशन है और वो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट करता है एंड इज बेस्ड ऑन फोटोवोल्टिक इफेक्ट। फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है, फोटोवोल्टिक इफेक्ट होता है कि जनरेशन ऑफ वोल्टेज ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ लाइट फोटोन्स, यानी कि फोटोन्स गिरते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, राइट। फोटोन्स गिरते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इसको फोटोवोल्टिक इफेक्ट बोलते हैं। इसके अंडरलाइन कर लें प्लीज, ठीक, फोटोवोल्टिक सेल। तो बेसिकली फिर आप कहेंगे कि फोटो डायोड क्या करता है, क्योंकि हमने तीन डायोड अभी सुने, एक तो हमने सुना जीनर, एक हमने सुना जीनर डायोड, एक हमने सुना फोटो डायोड, एक हमने सुना एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, और एक हम कर रहे हैं सोलर सेल। सोलर सेल सिंपली पीएन डायोड है, इसमें कोई फर्क नहीं है, ये तो नॉर्मल है। तो फोटो डायोड क्या करता है, फोटोन्स गिरते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। सोलर सेल भी क्या करते हैं, फोटोन गिरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है। दो डिफरेंस है, पहला डिफरेंस सोलर सेल और इसमें, ये एक अकेला एक डायोड है फोटो डायोड, ठीक। दूसरा, ये कॉम्बिनेशन ऑफ नॉर्मल डायोड है, इसके अंदर बाइसिंग की जरूरत नहीं है, इसको बाइसिंग नहीं चाहिए, कोई बैटरी नहीं चाहिए, इसको चलाने के लिए आपको बाइसिंग करनी पड़ती है, जो हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस भी करेंगे। तो सोलर सेल सिंपली पीएन डायोड का कॉम्बिनेशन है, हम पूरा का पूरा वो कॉम्बिनेशन बनाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। देखो कैसे, इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर, सोलर सेल की कंस्ट्रक्शन के अंदर आप एक एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर लेंगे, राइट। एनपी सिंपल पीएन जंक्शन है, तो एक एन टाइप और एक पी टाइप, इसके ऊपर इस शेप में एक मेटलाइज्ड फिंगर इलेक्ट्रोड रखेंगे। ये एक इलेक्ट्रोड है, मेटल का बना हुआ है, हाथ की शेप में, फिंगर्स की शेप में। तो हाथ की शेप में आपने क्या रखा, एक मेटल इसके ऊपर चिपका दिया, ठीक। ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, इसमें अंडरलाइन करेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। सोलर सेल इज बेसिकली पीएन जंक्शन, सोलर सेल पीएन जंक्शन ही है विच जनरेट्स ईएमएफ व्हेन सोलर रेडिएशन फॉल्स ऑन द पीएन जंक्शन। हाँ, ये समझ में आता है कि जब सोलर रेडिएशन पीएन जंक्शन पे गिरेंगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इट वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज फोटोवोल्टिक इफेक्ट, वही फोटोन्स गिरना और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना इज फोटोवोल्टिक इफेक्ट एज फोटोडायोड भी करता है, एक्सेप्ट दैट नो एक्सटर्नल बायस इज अप्लाइड। तो इसमें ये फर्क है कि इसमें बायसिंग की जरूरत
नहीं है, और फोटोडायोड जो हम स्टडी करेंगे उसमें बायसिंग की जरूरत है। हम क्या करते हैं, ये अनलाइन करेंगे, हम पी टाइप सिलिकॉन वेफर देंगे। वेफर बहुत ही पतला एक परत, या वेफर मीन थोड़ा बड़ा ले सकते हैं, पर गलती से बोल गया मैं, एक वेफर लेंगे मीन एक स्लैब लेंगे ऑफ अबाउट 300 माइक्रोमीटर इज टेकन ओवर विच अ थिन लेयर, बहुत एक परत पतली लेयर ऑफ एन टाइप सिलिकॉन इज ग्रोन ऑन वन साइड बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। मतलब हम पी टाइप को तो बड़ा लेंगे, थिक लेंगे, वेफर है, एन टाइप लग बड़ा रहा है लेकिन एक्चुअल में ये एक पतली सी एक परत है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी थिकनेस 300 माइक्रोमीटर है और इसकी थिकनेस 0.3 माइक्रोमीटर है, कितना ज्यादा फर्क है। तो हमने क्या किया, और इसका साइड डायग्राम ऐसा दिखेगा, ये पी है, ये एन है, और ये सर्कल दिखेंगे क्रॉस सेक्शन में आपको, और ये रेडिएशन है, ये मेटल का फिंगर आपको ऐसा दिख रहा है सर्कल्स ऐसे। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसमें, ये आपके पास एक एन टाइप, ये आपके पास पी टाइप, और ये मेटल जो मैंने ऊपर शो किया हुआ है मैं पूरा ही दिखा देता हूं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से है, ये लो राइट ऐसे है। अब होगा क्या, एन टाइप बहुत छोटा याद रखना, पी टाइप बहुत बड़ा याद रखना। इतना छोटा है एन टाइप कि जब फोटॉन्स आएंगे तो पी एन जंक्शन पे सीधा गिर सकते हैं, पेनिट्रेट कर जाएगा एन के अंदर फोटोन, तो फोटोन्स आते हैं और पी एन जंक्शन के ऊपर हिट करते हैं, राइट, यहां तक क्लियर है। अब होगा क्या कि पी टाइप में क्या ज्यादा है, होल्स, ये होल्स ही होल्स है, राइट, ये होल्स है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स, पर इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होल्स है तो बहुत ही कम होगी, जंक्शन पे जाके रेडिएशंस गिरेंगी, फोटॉन्स गिरेंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे सिलिकॉन के, बॉन्ड्स ही लाखों बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और ऐसा एक नहीं, पीएन पूरी छत बिछा रखी है पीएन जंक्शन डायोड से, पूरी की पूरी, बहुत बड़ा होता है सोलर पैनल, तो ऐसे कई कॉम्बिनेशन है जिसमें ये रेडिएशंस गिरती हैं। तो यहां पर बॉन्ड ब्रेक होंगे, बॉन्ड ब्रेक होगी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, वो इलेक्ट्रॉन ये मेटल देख रहे हो, कंडक्टर, कंडक्टर में इजी है इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होना, तो कंडक्टर के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, कंडक्टर के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल, क्योंकि कंडक्टर बिल्कुल उसकी सरफेस के ऊपर है, एन टाइप के ऊपर है, जंक्शन तक है, पूरा हाथ की तरह लगा हुआ है, जो भी इलेक्ट्रॉन आएगा कंडक्टर की सरफेस पे आ जाएगा। सारे होल्स, पूरा दिन धूप पड़ती रहेगी, रेडिएशन गिरती रहेंगी, इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहेंगे, जा जाके कंडक्टर पे ऊपर बैठते रहेंगे, यहाँ होल जनरेट होता जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव ईएमएफ जनरेट हो गया कंडक्टर और पी टाइप के बीच में। आपने कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड अगर आप एक सर्किट कंप्लीट कर दें और एक बल्ब यहां लगा दें, लेट अस सपोज एलईडी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, होल को रिकम्बाइन करेगा, बॉन्ड बनेगा, रेडिएशन से फिर बॉन्ड टूट जाएगा, पूरा दिन चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, थोड़ा थोड़ा चार्ज फ्लो होता ही रहेगा पूरा दिन, ये सोलर सेल है।